हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस चैनल का पहले बता दूं चैनल, अपने चैनल का नाम क्या है। मैंने इस चैनल का नाम स्टडी ऑन मीडिया रखा है और मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड की, जो कि है क्या बोलते हैं, क्लास सिक्स की बुक है, बिहार बोर्ड मेनली गवर्नमेंट स्कूल, जो क्लास सिक्स का बुक है, चैप्टर वन आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चैप्टर वन मैं बता दूँ, मैं शिक्षक रवि कुमार इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा नाम रवि कुमार हुआ। तो मैं आप लोग के बिहार बोर्ड का क्लास सिक्स का है, जो चैप्टर वन है, लेसन यानी पार्ट होता है वन, माय मदर है, वो आप लोग के स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं बता दूँ अपना इंट्रोडक्शन, या और भी बहुत बात है, मैं धीरे धीरे अगले वीडियो में मैं बताते रहूँगा। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और बेल आइकन बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं कि और भी बच्चे जो क्या बोलते हैं, जो नहीं पढ़ पाते उनको समान है, जो बहुत गरीब बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो असमर्थ है रुपया पैसा देने के लिए। मेनली वो यूट्यूब पर फ्री पढ़ा सकते, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दोज स्टूडेंट हु, मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ, डोंट पे मनी। और मैं धीरे धीरे मैं आप लोग के और भी बहुत सारा बताऊंगा आगे चैप्टर में। मैं आप लोग के क्वेश्चन आंसर, जो प्रश्न उत्तर है, वो सभी चीज़ बताऊंगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मैं पहले पढ़ा दे रहा हूँ, नहीं तो बोलिए आप लोग इतना भाषण करते हैं सर, पढ़ाते कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग चलते हैं सीधे मुद्दे पर, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है माय मदर, जो लिखी हुई है एन टेलर के नाम से लिखा हुआ है। यहाँ पे भी लिखा हुआ, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, या विद्यार्थी लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एन टेलर, नहीं तो बोलिएगा आप लोग अपने से सर लिख दिए, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है माय मदर, जो आप देख रहे होंगे इस साइड में लिखा हुआ है, जो ऊपर प्रीफेस या कंटेंट जो बोलते हैं बुक का स्टार्टिंग रहता है उसमें लिखा हुआ है माय मदर, जो एन टेलर लिखी हुई है, ये है राइटर का नाम, मैं लिख दे रहा हूँ। ये सभी पूछा जाता है वन वर्ड में, यानी एक प्रश्न उत्तर में, एक शब्द में प्रश्न उत्तर में आप लोग को पूछा जाएगा माय मदर, जो एन टेलर लिखी हुई। तो पहले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। माय मदर है, घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम आराम से। मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन और वर्ड मीनिंग यहीं पे लिख दूंगा, कि बाद में बताने की जरूरत नहीं हो, या एक दो मेन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है साइड, और भी एक दो मैं ऐड कर दूंगा इसी में, और वैसे मैं स्टार्टिंग में ही जो है उस पर ही मैं वर्ड मीनिंग जो हिंदी होता है वो मैं बताते जाऊंगा दोस्त विद्यार्थी लोग, या मैं दोस्तों भी कभी कभी बोल दूंगा आप लोग को, वैसे दोनों मिक्स चलेगा, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन मत लीजिएगा, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी को एक दोस्त के रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है, कि आपस में बातचीत कर सके, जीवन में क्या है, चलना नहीं चला, तो ये सब आगे बात करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो माय मदर एंड टेलर लिखी हुई है, लेसन वन है, वार्मर यानी संचेतक, और वेनेवर जब कभी भी, इन यानी मे होता है, मैं सभी का नहीं लिखूँगा, और का लिख दूँगा एक दो वीडियो में मैं लिखते जा रहा हूँ, उसके बाद मैं सबका बोलते चले जाऊँगा, आप लोग पॉज कर के लिख सकते हैं, या हो सके संभव हो तो मैं सभी का लिखते जाऊँगा, मेन है जो, वो मैं लगभग सभी का लिख दूँगा विद्यार्थी लोग, इसलिए डरिए नहीं, और एकदम सावधानी से धीरे धीरे आराम आराम से पढ़िए। मैं एकदम स्लो पढ़ाऊँगा, कोई जरूरी नहीं है एकदम फास्ट जानने का, एकदम तेज़ी से, इसलिए बार में सच्चे तक, इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे। वेन एवर यानी जब कभी भी, इन यानी मैं, ट्रोबल यानी परेशानी, और यानी या, मैं एक दो बोला विद्यार्थी लोग, एक दो जो है चैप्टर, दो तीन चैप्टर उसमें मैं सभी का करते जाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होते जाएगा, और इसलिए वेन एवर यानी जब कभी, इन यानी मैं, ट्रोबल यानी परेशानी, और यानी या, पेन यानी दर्द होता है, दी यानी यह, आप लोग बच्चे से पढ़ते आइए हुआ, वर्ड यानी शब्द होता है, माँ का तो माँ ही होता है, कॉम्स यानी आना, नेचुरल यानी प्राकृतिक, टू
टू यानी से होता है बहुत एक यानी सभी सेंटेंस पर अलग अलग यानी वर्ड एक वर्ड का कई मीनिंग होता है। अस यानी हमको यूज होता है। तो वेन एवर जब कभी भी हम लोग परेशानी में रहते हैं या दर्द में रहते हैं और लगा हुआ है परेशानी या दर्द में रहते हैं तो अचानक मुँह से निकलता है माँ। आप लोग जैसे मैं एक उदाहरण दे दे रहा हूँ कभी भी रहते या कुछ होता है माँ माँ क्या हुआ यानी कुछ कुछ यानी गिरने वाले हैं या कहीं तो माँ ऐसे अचानक से निकलता है उसको नेचुरली यहाँ बोला गया है अचानक से। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज़ शो। कैन यानी सकना होता है क्या आप लोग बता सकते हैं सकते या सकना सेम होता है। ये यू यानी तुम एक्सप्लेन यानी उसको विस्तार रूप में बताना। वाई यानी क्यों। इट यानी या ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। इज यानी है सो यानी इसलिए और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो वेन जब आप कभी भी परेशानी या दर्द में रहते हैं तो अचानक माँ क्यों आता है ये मुँह से क्यों निकलता है क्या आप लोग बता सकते हैं। तो इसका कई आप अपने हिसाब से डेली लाइफ या जो जीवन व्यतीत करते हैं उससे भी ले सकते हैं या अपना एक्सपीरियंस हो अपना कोई कुछ हुआ हो तो उससे भी बता सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज़ शो क्यों होता है तो हम लोग बता सकते हैं। माँ माता पिता में सबसे ज़्यादा पिता तो मैं बता रहा था कि कैन यू एक्सप्लेन अपने डेली लाइफ से ले सकते हैं कि क्यों आता है। तो आप लोग अपने डेली लाइफ क्यों माता पिता में सबसे पहले कोई भी बात होता है तो पहले हम लोग माँ को ही बताने जाते हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ मैं अपने माँ से ही पहले बोलता हूँ। जो माँ होती है गलती को भी सही मानती है यानी एक्सेप्ट कर लेती है उसमें इतना पावर होता है आप लोग मान सकते हैं उसमें इतना शक्ति होता है माँ में कि कोई भी गलती हो तभी भी कहती है कि मेरा बेटा ही सही है। तो आप लोग अपने लाइफ से भी ले सकते हैं। तो यही होता है कैन एक्सप्लेन वाई क्यों होता है क्योंकि माँ से ज़्यादा अटैचमेंट होता है। और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि 6 महीना माँ अपने पेट में रखती है 9 मंथ तक आप लोग सबका अलग अलग होता है कोई यानी लगभग 9 मंथ होता है जो पेट में ही यानी लगभग पेट में ही पालते उसी में लगभग बहुत चीज़ होता है ना जो लाइफ से यानी क्या कैसे उसी में हो जाता है। तो इसलिए उतना डीप में मैं नहीं जाऊँगा विद्यार्थी लोग उतना मैं विद्यार्थी स्टूडेंट्स मैं उतना डीप में मैं नहीं जाऊँगा। यही बताना चाहता हूँ कि माँ और पिता में सबसे ज़्यादा माँ का ही होता है इसलिए माँ से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट होता है ज़्यादा नज़दीकी होता है क्योंकि माँ में इतना सहन शक्ति होती है कि वो गलत को भी सही यानी अपने पुत्र को ही सही मानती है कुछ भी हो जाए यानी कोई मार काट के क्यों नहीं आए लेकिन पुत्र को ही ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर एक बता रहा हूँ। तो आगे पढ़ते हैं नाउ यानी अब रीड यानी पढ़ना एंड यानी और इन्जॉय यानी खुश या हर्ष होता है दिस यानी यह पोएम इस पोएम को हम लोग खुश या हर्ष से पढ़ेंगे। हु यानी कौन हु सेट यानी बैठी हुई है सेट यानी बैठना या बैठी हुई है एंड वास्ट यानी देख रही है माई इन्फेंट हेड जो कि मेरा इन्फेंट यानी जो शिशु होता है यानी बच्चा जो जन्म लेता है उस हेड को देख रही है। हु सेट एंड वास्ट यानी जो बैठी हुई है और देख रही है मेरा इन्फेंट हेड को। और वेन यहाँ हु चलो मैं लिख दे रहा हूँ कौन हु कौन सेट यानी बैठना वर्ड मीनिंग लिखूँगा तो भाई या विद्यार्थी थोड़ा तो बढ़ेगा ही यानी समय लगेगा ही इसलिए एंड यानी। और अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं चाहिए तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं मैं वैसा ही वीडियो बनाऊँगा। वास्ट यानी देखना एंड का अब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पहले आ चुका है। वास्ट यानी देखना माँ यानी मेरी माँ मेरी इन्फेंट यानी शिशु या बच्चा शिशु ही शुद्ध लिखाएगा। हेड यानी सिर या माथा बोल दे मेरा थोड़ा वर्ड मीनिंग लग रहा है वर्ड मीनिंग बोल रहा हूँ राइटिंग थोड़ा भी ख़राब चल रहा है स्पेस नहीं इसीलिए और वैसे भी ख़राब है इसलिए माफ़ी करना है बच्चों। वेन यानी जब स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड यानी वेन यानी जब
स्लीपिंग यानी सोना, ऑन यानी ऊपर, माय यानी मेरे, क्रेडल बेड यानी जो पालना बोलते हैं, क्रेडल बेड यानी छोटा छोटा का नहीं लिख रहा हूँ मैं, जो कठिन है उस सब का वर्ड लिख दे रहा हूँ। तो पालना होता है क्रेडल बेड। वेन जब, यानी जो जब बेड में, पालना में, सो वेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड, जब मैं अपने क्रेडल बेड में सोए रहते हूँ, एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड, एंड एंड यानी और आंसू, टीयर्स यानी आंसू, स्वीट अफेक्शन यानी स्वीट यानी यहाँ बोल देते हैं मोह या मीठा, वैसे मीठा होता है लेकिन मोह यहाँ होगा, मोह अफेक्शन यानी अफेक्शन, अफेक्शन लगाओ, मोह माई मदर मेरी माँ, एंड और जब वो आंसू निकलता है, जो अफेक्शन यानी जो लगाव होता है, स्वीट यानी मोह होता है अपने माँ और पुत्र का, जो कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता है, वैसे मैं कह दूँ रियली तो, लेकिन जो मोह होता है माँ और पुत्र का वो बहुत ही गहरा होता है। और माँ मेरी माँ, वेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, अब बोला मेरी माँ, मेरी माँ, वेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, जब मेरी माँ, बच्चा बोला वेन, जब जब पेन यानी दर्द और सिकनेस यानी बीमारी उमारी से जब बच्चा चिल्लाता है, जब मुझे क्राई होता है पेन और सिकनेस से दर्द होता है, हु गेज्ड अपॉन माई हैवी आई, हु गेज्ड यानी ताकना, तब मेरी माँ अपने हैवी यानी नमी आँखें यानी भरा हुआ आँखों, हैवी यानी यहाँ भरा हुआ बोल सकते हैं, भरा या भारी यह भी होता है, हाई जो आंसू निकलता है ना वो, हु गेज्ड अपॉन माई हैवी आई, हु गेज्ड, गेज्ड का भी लिख दे रहा हूँ, गेज्ड यानी ताकना यानी हु जो देखती है नमी भरी हुई आंखों से, जो आंसू आता है उसमें, आंसू भरी हुई से देखती है, एंड वीप्ड और वो भी रोती है, फॉर फियर डर के, डेट आई शुड डाई, और माँ भी रोती है डर से, माँ भी डर से रोती है क्योंकि कहीं मर न जाए, मेरा पुत्र मर न जाए या मैं मर न जाऊँ, माई मदर, वेप्ट यानी रोना, सूड यानी चाहिए होता है, फियर यानी डरना, फोर के लिए डेट यानी वह, डाई यानी मरना, ये सब वह लिख लीजिएगा दोस्तों डिक्शनरी से ही, वैसे लिख दे नहीं तो बोलिएगा, बोल दिया नहीं लिखने, फियर यानी डरना, डेट यानी वह होगा, आई यानी मैं, सूड यानी चाहिए, डाई चाहिए, डाई यानी मरना, मेरा थोड़ा हिंदी हैंड राइटिंग ख़राब है, वैसे इंग्लिश भी नहीं है लेकिन वैसे बोलते हैं सभी, इसलिए थोड़ा मैं अपना ही बड़ाई मार दे रहा हूँ। हु रैन यानी दौड़ना, हु रैन टू हेल्प यानी जब जब, एंड वेप्ट फॉर और वह माँ रोती है डर से कि कहीं वह मर न जाए, मेरी माँ, और हु जो दौड़ती है, हु यानी जो रैन यानी दौड़ना, टू से हेल्प यानी मदद करना, मदद मद मदद मी मुझे, वेन आई फेल जब वो दौड़ती है मदद के लिए, जब मैं गिरता हूँ, फेल यानी गिरना, एंड वुड सम प्रीटी स्टोरी टेल, एंड वह वुड यानी भी बोल ही दे रहा हूँ, वुड यानी होगा, होगा सम प्रीटी स्टोरी टेल, और कुछ यानी जो रोचक होता है या रोमांटिक नहीं बोलेंगे, प्रीटी यानी सुंदर, जो हाथी घोड़ा आप लोग को भी बचपन में माँ या दादी होगी जो सुनाई होगी कहानी, तो वो एक हाथी था घोड़ा था जो पानी में दौड़ा, वो बच्चा को ऐसे ऐसे कई सारा फिल्म भी आया हुआ है, तो इसी तरह का है, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रीटी स्टोरी टेल, एंड वुड सम प्रीटी स्टोरी टेल, और वह बहुत सारी स्वीट यानी प्रीटी यानी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी मीठी मीठी कहानियाँ सुनाती, और किस यानी यहाँ पे गलत सेंस नहीं लीजिएगा, किस यानी चुम्मा लेना यानी स्नेह से, एक माता पुत्र का किस का सेंस अलग होता है, इसलिए आप लोग अलग लीजिएगा, और एक
कपल का और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये अलग होता है, उस सब का अलग होता है, तो एक माता पुत्र का अलग होता है। ये आप लोग, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, या अलग उसका बहुत सारा यानी बहुत भाव होता है, सबका अलग अलग भाव होता है या अलग अलग जगह यूज होता है। तो लिखा हुआ और किस दी प्लेस टू मेक इट वेल, और वो चुम्मा लेती है, चुम्मन करती है, जो जहाँ लेती है माँ जहाँ पुत्र को किस करती है वहाँ ठीक हो जाए, यानी वेल अच्छी हो जाए, यानी इसलिए वहाँ पे किस लेती है। दोस्तों मेरा थोड़ा लाइन कट गया था इसलिए सॉरी। तो लाइट आ चुका है, यानी लाइट जला लिए, अब पढ़ रहे हैं। थोड़ा पीछे अंधेरा हो गया है इसलिए मुझे खेद है, या माफ़ी माफ़ करना या बच्चों। तो आगे हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे किस यानी चुमन करती है, जो यानी कहीं भी चोट लग जाए, कुछ हो जाए, गिरता है, या आप लोग के भी माँ कभी आपका एक्सपीरियंस होगा, जब आप लोग गिरते या कुछ करते हैं तो माँ जहाँ चोट लगता है वहाँ किस करते या ऐसे सहलाती है कि ठीक हो जाए, मेरी माँ। एंड और कैन यानी सकना होता, आई यानी मैं, इवर यानी जब कभी, यानी इवर यानी प्रत्येक, सभी का ये हेल्पिंग वर्ब है, अलग अलग यूज होता है। किज यानी रोकना, एंड कैन आई इवर किज टू बी, और वो रोकती है, अफेक्शनेट एंड कैन एंड काइंड टू दी, दी यानी तुम होगा वैसे, ये भी एक अफेक्शनेट यानी स्नेह, एंड काइंड यानी दया से, दयालु से। हु वाज सो वेरी काइंड टू मी, वह हु वाज सो कौन, जो यानी मेरे, यानी काइंड यानी, काइंड यानी क्या बोलते हैं, दयालु, हाँ दयालु, कभी कभी थोड़ा मिस हो जाता है। अफेक्शनेट एंड काइंड टू दी तुम, अफेक्शनेट यानी स्नेह और काइंड यानी दयालु से तुम। हु वाज सो वेरी काइंड टू मी, हु वाज कौन है जो, कौन वाज यानी थी, कौन थी जो वेरी बहुत, सो यानी इसलिए, वेरी यानी बहुत, काइंड यानी दयालु टू मी, कौन थी जो मेरे बहुत दयालु थी, मुझे दयालु थी, मेरी माँ। और कौन है यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, तो कौन है, तो यहाँ लिखा हुआ है मेरी माँ नीचे, और यहाँ पे भी था तो यहाँ लिखा हुआ है मेरी माँ, यहाँ पे मैं बताना भूल गया दोस्तों। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कौन है, हैवी आई, कौन रहती है, तो मेरी माँ, माई मदर, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, माई मदर, मेरी माँ। ये सब, ये पोएम में ये सब यानी जो मार्क होता है चिन्ह, वो सब बहुत हेल्पफुल होता है या बहुत ही मस्ट होता है, इसी से बहुत चीज़, इसका भी मतलब बहुत निकलता है, इसलिए मैं ये बता दिया हूँ, थोड़ा भूल गया था। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है आ, यानी जब कभी भी चोट हो, चोट लगता है या कुछ हो, जब कभी भी चोट लगता हो या कुछ, जब कभी भी चोट लगे या कुछ हो तो आ निकलता है, कहीं भी चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो बोलते हैं आ। नो यानी नहीं, दी थॉट आई कैनॉट बियर, यानी आ आ नहीं, ऐसे बोलते हैं आ, या कुछ चोट लगे तो इस तरह से आ। नो दी यानी यह थॉट यानी, थॉट यानी सोचना होता है, ये लिख दे रहा हूँ, ये सर इधर भी देख ले रहा हूँ वर्ड मीनिंग लिखा हूँ कि नहीं, नहीं तो ये छूट गया था, माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी भूल गया, थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है इसीलिए थोड़ा जल्दबाजी हो गया। रोकना कैन यानी सकना, ये हो गया। अफेक्शनेट यानी स्नेह होता है, स्नेह भाव, यहाँ भी कहीं होगा, मैं यहाँ नहीं देखा था, इसमें नहीं लिखा हुआ, ये स्नेह होता है। माई मदर ये लिख दिया, काइंड टू हु, वेरी यानी बहुत होता है, काइंड यानी दयालु, एक लिख दे रहा हूँ दयालु, एक वर्ड का कई मीनिंग होता है, मी यानी मुझे, लगभग लगभग मैं सभी लिखते जा रहा हूँ कि आप लोग की परेशानी में, प्रीटी यानी सुंदर, अगर नहीं सुंदर या खुशबूदार, ऐसे बहुत सारा होता है, तो आप लोग यानी अगर नहीं हो तो मैं लगभग सभी का बोलते जा रहा हूँ, पीछे वीडियो करके आप लोग देख सकते यानी सुन सकते हैं कि किस किस का क्या मीनिंग है। मेक यानी बनाना, वेल यानी अच्छा, माई मदर,
कराई यानी चिल्लाना, ये सब होता है। मतलब नेचुरल यानी प्राकृतिक होता है, ये भी लिख ही दे रहा हूँ प्राकृतिक। ट्रबल यानी परेशानी, कैन यानी ये सब हो गया, एक्सप्लेन यानी विस्तार रूप में बताना, विस्तार। हिंदी थोड़ा कहीं गलत हो तो माफ़ करना, सही कर लेना, विस्तार रूप बताना थोड़ा जल्दबाजी है इसलिए। वर्ड यानी शब्द होता है कौन सी, ये सब लगभग लगभग मैं सभी लिख दे रहा हूँ। नहीं हो तो आप अगर जो भी वर्ड मीनिंग नहीं आए तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। मी यानी मुझे, ये म है। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक्सक्लेमेशन साइन है यानी जब कभी भी अचानक से निकलता है ये। मैं इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा, नाउन उनका और ग्रामर का, अगर कोशिश करूंगा बने तो। नो द थॉट यानी सोचना, आई यानी मैं, कैनोट यानी नहीं, बियर यानी नो द थॉट आई कैन नॉट बियर यानी मैं सोचता हूँ कभी भी मैं, बियर यानी पहनना होता है वैसे, कभी भी नहीं, सोच होता है ना वो, मैं नहीं, मैं कभी सोच नहीं पहनूंगा या। एंड इफ़ गॉड प्लीज यानी जब कभी गॉड प्लीज यानी होता है दयालु के टाइप में होता है, या रिक्वेस्ट के समय में कुछ मांगना हो तो प्लीज लगाते उससे पहले, रिक्वेस्ट होता है। एंड यानी और, इफ़ गॉड रिक्वेस्ट ये होता है यानी जैसे बोलते हैं ना कुछ लेना हो, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, किसी से कुछ लेना हो तो थोड़ा झुक कर ही मांगते हैं या कुछ मदद मांगते हैं ऐसे। एंड इफ यानी इसलिए गॉड यानी भगवान प्लीज रिक्वेस्ट के समय में होता है। तो प्लीज का शुद्ध मीनिंग मैं अगले यानी यहाँ पे वर्ड मीनिंग बता दूंगा, थोड़ा ये नहीं आ रहा पूरा जो शुद्ध होता है वो। मैं यानी मेरा, लाइफ टू स्पेयर, स्पेयर यानी होगा बचना यानी सर्वाइव, इसका और एक मीनिंग लिखे तो SURVIVE सर्वाइव, SU ये नीचे लिख रहे हैं, SURVIVE सर्वाइव तो लिखा हुआ है। तो हिंदी पढ़ते हैं। एंड यानी और, अगर गॉड अगर रिक्वेस्ट यानी मदद मांगे यानी गॉड से मैं मदद मानूंगा, अगर मैं भगवान से मदद मानूंगा कि मेरे जीवन यानी माँ बोल रही है मेरे जीवन बचाना हो। एंड आई होप माई लाइफ टू स्पेयर यानी सर्वाइव यानी बचना हो। आई होप आई सेल रिवार्ड द केयर माई मदर यानी ये बच्चा बोला, सॉरी। एंड अगर मैं भगवान से, हाँ यहाँ प्लीज यानी दुआ लिख सकते हैं इस तरह से, इफ़ मैं भगवान से दुआ करूँगा कि मेरी लाइफ यानी बचना यानी सर्वाइव, और मैं बहुत लंबी उम्र जिए या बहुत लंबा उम्र हो बचना बच सके। आई होप आई से रिवार्ड द केयर यानी मैं आशा करता हूँ, होप यानी आशा, मैं आशा करता हूँ आई से रिवार्ड दी दाई, ये भी है, ये दो मीनिंग में अगले यहाँ पे लिख दूंगा। अगले मैं जब क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा तो यहाँ पे नहीं है, आगे नहीं है, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा या यहाँ पे लिख दूंगा, और वर्ड मीनिंग ये सब भी कोशिश करूंगा सभी का रिप्लाई देने का। माय मदर, आई होप यानी मैं आशा करता हूँ, रिवार्ड यानी जैसे रिवार्ड होता है ना, कुछ जीतते हैं तो उसमें रिवार्ड, उसके तौर पर बोलते हैं ये तीनों रिवार्ड, उस तौर पर बोलते दे दाई केयर यानी जब कभी मैं कुछ जीतूंगा या भगवान से कुछ यानी अगर कुछ दान यानी मिले तो मैं ये मांग दे केयर, मैं ये मांगूंगा कि मेरी माँ की केयर करना, ये इसी रूप में यानी केयर यानी देखभाल करना, देखभाल करने का मौका, देखभाल मौका दे। माई मदर मेरी माँ, वेन जब, दाव यानी तुम, पीछे मैं लिख दिया हूँ, वेन तुम आर्ट यानी कला, ओल्ड यानी पुराना, फीबल यानी दुर्बल या वीक,
ड्यूरेबल एंड ग्रे यानी चमकीला या इसी टाइप का होता है। वेन दाव तुम आर्ट यानी कोई कला बनाओगे पुराना दुर्बल और ग्रे, तो माई हेल्दी आर्म यानी मेरी जो हेल्दी होती है ये आर्म बाजू बोलते हैं, यानी दिखा दे रहा हूँ बाजू, यानी आप लोग जानते ही हो। थोड़ा मैं कभी कभी बीच में मजाक भी होना चाहिए क्योंकि अगर पूरे सीरियस हो जाए तो पूरा समझ में नहीं आता, इसलिए बीच बीच में मैं कुछ फनी शब्द का उपयोग कर देता हूँ कि आप लोग को मन लगे इसमें पढ़ने में मन लगता रहे, नहीं तो पूरे पढ़ते जाएंगे तो नींद आने लगता है किसी का, बहुत सारा होता है। ये मेरे साथ भी हो चुका है, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप लोग भी बड़े होइएगा तो देखिएगा। तो इसलिए माई हेल्दी यानी मेरा यानी जो स्वच्छ स्वच्छ शरीर होता है यानी सॉरी यानी माई हेल्दी आर्म स्वच्छ जो आर्म होता है बाजू शैल, हेल्दी यानी स्वस्थ, आर्म यानी बाजू, शैल यानी भी दे स्टे यानी रहे। मैं यही दुआ करूँगा भगवान से कि मेरी हेल्दी आर्म बाजू रहें और मैं हेल्दी वेल्दी अच्छे से रहूं, एंड आई विल सूथ दी दाई, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ये जो जो है नहीं आ रहा है, मैं सूद इस सब का और कई सारा एक पेज नहीं हुआ तो सेंचुरी पेपर पर लिखकर मैं एक बना दूंगा वीडियो और पढ़ दूंगा कि किसका किसका क्या होता है। माई हेल्दी आर्म सेल बी दाई स्टे यानी रहना, यानी मेरा जो हेल्दी बाजू है यानी स्वच्छ बाजू है जो हर हमेशा स्वच्छ रहे और हम भी एकदम स्वच्छ रहें, एंड आई विल सूथ दी पेन अबे, और मैं यही दुआ करूँगा सूथ यानी बोल दे तो शांत करना, मैं यानी यही शांत करूँगा यानी मेरी जो दर्द होता है वो मैं शांत करूँगा मेरी में, एंड आई विल सूथ दी पेन अबे, और मैं अपने दर्द को भगाने की कोशिश करूँगा, उबारने की कोशिश करूँगा, हटाने की कोशिश करूँगा पेन यानी मेरी माँ। तो दोस्तों ये एन टेलर लिखी हुई है माई मदर जो कि क्लास सिक्स का है, ये बुक चैप्टर वन लेसन वन पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का, और इस चैनल का नाम है स्टडी ऑन मीडिया और मैं टीचर रवि कुमार बोल रहा हूँ और क्लास सिक्स का पढ़ा रहा हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई दिस यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मीडिया। मैं धीरे धीरे और सभी पर और सभी जितने प्लेटफॉर्म है उस पर आने की कोशिश करूँगा, और आप लोग अपने प्यार सुने अगर इसी तरह बढ़ाते रहे तो, और अगले वीडियो में हम लोग मैं सबका वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर बनाऊँगा यानी पढ़ते चलेंगे लाइन से। पहले यानी बता दे रहा हूँ इसी में पहले हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर, और इसी में जो होने वाला होगा तो मैं इसमें वर्ड मीनिंग लिख दूंगा, और जो जो मेन होगा इसमें जो लिखा गया जो नहीं लिखा हो तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, और वर्ड मीनिंग हो जाए तो क्वेश्चन आंसर भी कोशिश करूँगा सभी का देने का जो हो सके। और तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्टडी ऑन मीडिया, और शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके। मैं ये केवल उसी बच्चे के लिए पढ़ा रहा हूँ या बना रहा हूँ वीडियो जो रुपया देने में असक्षम हो या जो थोड़ा कमज़ोर हो जो मानते हैं, तो उसका इंग्लिश मजबूत हो कि कहीं भी जाए यानी कोई भी कंपटीशन में बैठ सके या पढ़े बच्चे से ही पढ़े तो बेहतर रहेगा, इसलिए इस चैनल में मैं यही बता रहा हूँ। धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।